राकेश टिकैत जगह जगह जाके लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में आंदोलन, अग्निपथ के विरोध में भी आंदोलन चलेगा। सरकार ने किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। पूरे देश भर में किसान आंदोलन की तैयारियां एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार बताया जा रहा है कि पहले से भी बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या सच में किसान आंदोलन होगा या मैं कुछ ऐसा ही कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहले से ज्यादा बड़ा आंदोलन करने की बात हो रही है। साथ ही साथ किसान जो नेता है, जितने भी नेता है किसान के, उन्होंने ये कहा है कि देश के हालात जिस तरीके से इस समय है उसे देखते हुए एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। इस आंदोलन में आपको मैं बता दूं कि सिर्फ दिल्ली नहीं, कई राज्य शामिल होंगे, क्योंकि किसान नेताओं का ये कहना है भारत के कई जगहों को दिल्ली जैसा बना देंगे, यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलन पिछली बार हुआ था उस तरीके से बना देंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन फिर क्यों कर रहे हैं जब पिछली बार सरकार ने उनकी बात मान ली थी। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने काले कानून तो वापस ले लिए थे, लेकिन MSP पे गारंटी जो थी वो नहीं दी थी। किसानों को कहा था MSP के लिए कमेटी बना देंगे और उसमें 29 मेंबर्स शामिल किए गए थे, जिसमें से 21 मेंबर्स सरकार के ही थे, यानी कि सरकारी विभाग में वो ऑफिसर थे या किसी और रैंक पे थे। सरकार के ही लोग 21 लोग जो थे उसमें शामिल किए गए थे। इसके साथ ही 5 लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें RSS और संघ के शामिल कर लिए गए थे। इसके बाद जो बचे हुए लोग थे उसमें किसान नेताओं को शामिल किया गया था, और वो भी इसमें शामिल हैं जो किसान काले कानून जो थे उसके समर्थन में थे। तो इसको देखते हुए किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उनका ये कहना है कि जब आपने गारंटी दी थी तो वो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही थी जो कमेटी आपने बनाई थी। मैं आपको बताऊंगा, इसके पहले कि किसान आंदोलन शुरू हो, कहा जा रहा है सबसे बड़ा आंदोलन होगा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, UP और झारखंड में। किसान जो है लगातार एकजुट हो रहे हैं, किसान एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगला आंदोलन इससे बड़ा कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में बड़े से बड़ा किसान नेता जो पहले किसान आंदोलन में आगे देख रेख कर रहा था, जो करता धरता था, वो सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं होगा, पूरे देश का मुद्दा इसमें शामिल किया जाएगा। अब कौन कौन से मुद्दे होंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। डॉक्टर दर्शन पाल, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरु नाम सिंह चड्ढा इसमें शामिल है। ये सारे लोग जो बड़े किसान नेता का चेहरा है वो सब शामिल हुए थे। इन्होंने रणनीति बनाई है कि किस तरीके से अब किसान आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। पिछली बार एक साल से ऊपर किसान आंदोलन चला था जिसमें 700 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद अब फिर एक बार आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी के हालात हैं, यानी कि देश में आप देख ही रहे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अग्निवीर का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि अग्निवीर में कई जो बच्चे थे उन्होंने ट्रेनें जला दी थी, काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था। कहा जा रहा था कि 5 साल, पहले तो 4 साल था, फिर 5 साल की योजना सरकार ने बना दी थी। कहा था कि 5 साल तक अग्निवीर में कोई भी अगर युवक है जो इसके लिए अप्लाई करता है अग्निवीर के लिए, वो 5 साल के लिए सेना में जा सकता है और काम कर सकता है। लेकिन 5 साल के लिए काम करने से क्या भारत की सेना का भला हो जाएगा? इसे लेके किसानों का कहना है कि ये देश विरोधी है और साथ ही साथ युवा विरोधी और किसान विरोधी भी है, क्योंकि किसान जो है उनके परिवार से सबसे ज़्यादा सेना में जाते हुए लोग दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा किसान के ही बेटे होते हैं जो सेना में भर्ती किए जाते हैं। वो जातिवाद से ना जोड़िए आप इसे। मैं ये कहूँगा कि जाति किसान में नहीं देखने को मिलती, किसान जो है सब एक साथ नज़र आते हैं, सबका साथ सबका विकास उन्हीं में देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार देखने को मिला था, हर जाति का इंसान सामने खड़ा हुआ था, एकजुट होकर कह रहा था सरकार से कि हमारे जो कानून है जिसे आपने बनाया है, काला कानून कहा जाता है, उसे वापस लीजिए। इस बार भी यही देखने को मिल रहा है, सारे किसान एक साथ नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत जगह जगह जाके लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं नए आंदोलन को लेके। वो बिहार गए थे, झारखंड गए हैं, उत्तर प्रदेश गए हैं और कई जगहों पे जाके वो लोगों से मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर किसानों से। गांव-गांव में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार का जो आंदोलन है वो बड़ा किया जाएगा। क्यों बड़ा किया जाएगा उसको भी लेके वो लोगों को बता रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है, इस बार किसान हर चीज़ पे गारंटी चाहते हैं, चाहे दूध हो, रोटी हो, तेल हो, ऐसी कई चीज़ें जो ज़रूरत का सामान है डेली इस्तेमाल में आती है, इन सबको लेके किसानों का ये कहना है कि अब इन सब पे हमें गारंटी चाहिए, तब जाके हम ये जो अगला आंदोलन होगा उसको रोकेंगे। अब सरकार एक तरफ चुनाव में लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि 2024 में इस बार जीत पक्की, दूसरी तरफ किसान आंदोलन फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सरकार सच में झुकेगी
बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर किसान आंदोलन नहीं रुका और किसान आंदोलन इस बार उससे पहले से बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा 2024 चुनाव में। मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में एमएसपी के गारंटी के साथ साथ जीएसटी पे भी बात होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मैंने अभी आपको बताया, उसको लेके भी बात होगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको लेके भी किसान सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। तो इस बार जो आंदोलन होगा वो खाली किसानों का नहीं होगा, पूरे देश भर का आंदोलन ये बताया जा रहा है। सरकार जिस तरीके से एमएसपी की गारंटी को लेके कमेटी बना रही थी, उस कमेटी को लेके सरकार ने किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया, ऐसा किसानों का कहना। और कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार जो किसान आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। पिछली बार दिसंबर में जो कानून वापस कर लिया गया था और एमएसपी की गारंटी को लेके सरकार ने जो बातें किसानों से कही थी वो देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा ये भी कि दिसंबर में किसान जो थे वो अपनी बात रखते हुए, सरकार ने जब वापस ले लिया था कानून तो वो चले गए थे, लेकिन इस बार किसान कह रहे हैं कि पूरे देश में कई ऐसी जगह होंगी जहां दिल्ली जैसा जो माहौल था पिछली किसान आंदोलन का वैसा ही करेंगे, यानी कि आंदोलन इस बार हर जगह होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में होगा आंदोलन। राकेश टिकैत की कुछ ये वीडियोज हैं, वो आप जरूर देखिए। एमएसपी गारंटी कानून एक बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा इशू देश में है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, लीगली गारंटी कानून, और सब चीज पर कानून चाहिए। दूध है, अंडा है, मीट है, मछली है, फल फ्रूट सारी चीजें हैं। जो भारत सरकार ने एमएसपी पे एक कमेटी बनाई है, खास करके वो सरकारी कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष बनाए, जो उसके मेंबर हैं और जो उसके सदस्य लिए हैं किसान के नाम पे, वे सारे उस विचारधारा के हैं जिन्होंने तीन काले कानूनों का समर्थन किया था, और अधिकारी भी ज्यादातर वे उसमें हैं जिन्होंने तीन काले कानूनों को ड्राफ्ट किया था। तो एसकेएम ने यह निर्णय लिया है कि हम इस कमेटी से दूर रहेंगे। एसकेएम का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि कमेटी का निर्णय क्या होगा। आंदोलन शुरुआत होगा इसी बिहार की धरती से शुरू होगा। सबसे पहले मंडी वापसी दो के नारे के साथ में हम बिहार की जमीन से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारी मंडी हमको वापसी चाहिए। यहाँ पे आंदोलन चलेगा, अपनी जो जाय जवान है उसके लिए आंदोलन चलेगा, बेशर्ते कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम से अलग रहना पड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में आंदोलन, अग्निपथ के विरोध में भी आंदोलन चलेगा। एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश भर में हैं। दिल्ली में भी बहुत लोगों ने मदद की, जो परिवार दिल्ली में रहते थे उनके परिवार यहाँ पे रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, वे अगर दिल्ली में रहते थे तो वहाँ आंदोलन में शरीक होते थे। एक बड़ा लगाव दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा में हो, यहाँ के लोग काम करते हैं और वे उस आंदोलन से जुड़े रहे। तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, वो चाहे गन्ना किसान हो या मक्का का या सूरजमुखी या धान और गेहूं का किसान हो, और आंदोलन के लिए आप तैयार रहे। जो मंडी खत्म होने का डर था जिसे लेके किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए कमेटी बनाई गई। अब ये कहा जा रहा है कि ये कमेटी भी मंडी को खत्म करने की तैयारी में लग गई है, मतलब कि इसमें जो लोग हैं वो बल्कि किसानों का साथ नहीं दे रहे, वो मंडी खत्म करने की बात कर रहे हैं और वो उसी के तहत चल रहे हैं, सरकार की बात मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो किसान नेता है वो हर जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्का जाम की भी इस बीच बात हुई थी, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश के हालात हैं उसको लेकर बड़ा आंदोलन होने की जरूरत है। क्या ये सफल हो पाएगा, या सरकार जिस तरीके से रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है, कह रही कि अगर खबरों की माने तो उस हिसाब से लग रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, क्या वो सच में पूरा हो पाएगा? अब दोनों के बीच में लगातार जंग दिखती हुई नजर आ रही है, आंदोलन ही एकमात्र सहारा है किसानों के पास, और ये हमारा संविधान भी कहता है कि अगर आपको कोर्ट का दरवाजा ना मिले तो आप 80% मुमकिन है ये काम करेगी रणनीति, आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, जो किसान पिछली बार भी करते हुए दिखाई दिए थे। अब इस बार क्या वो सच में कर पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या इस बार किसान आंदोलन जो हो रहा है, जो युवाओं के बेरोजगारी को लेके हो रहा है, साथ ही साथ अग्निवीर को लेके हो रहा है, एमएसपी की गारंटी को लेके हो रहा है, महंगाई को लेके हो रहा है, क्या ये सही है?
अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।